स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। जा जा, तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना। उल्टा मैंने तो मना। चल रहने देना सुबोध, जब बा ने कहा कि मेरी जगह पे तू जाएगा सिंगापुर, तब तेरे चेहरे पे 7 dmm स्माइल आ गई थी। वो तो बस ऐसे ही 1 सेकंड के लिए। अच्छा, 1 सेकंड के लिए तेरे चेहरे पर स्माइल आई, इसका ये मतलब है कि 1 ही सेकंड में तेरे दिमाग में सिंगापुर जाने का ख्याल आया और चला भी गया। हकीकत में तो तू मन ही मन लिस्ट बना रहा होगा कि सिंगापुर कौन कौन से कपड़े ले जाने हैं ना। मेरा पत्ता तो कट ही गया। ओ जी, चिकू मिल्शेक आ गया जी। चलिए इधर रख। लो जी, चिकू शेक। चिकू मतलब आपकी छोटी कजिन का छोटा बेटा चिकू नहीं, हम सबको पता है। गुड़िया भाभी, गर्मा गर्म चिकू मिल्शेक गट्टू को। मतलब मैं जो चिकू लाया था। हाँ जी, सब लोग सिर्फ चिकू खाए, इससे अच्छा तो साथ साथ दूध भी पिए, है ना जी। मस्त है, एकदम मीठा है चिकू मिल्शेक। तो चिकू को ने फ्रिज में रखा था ना, इसलिए एकदम मीठा लग रहा है चिकू मिल्कशेक। गर्मा गर्म मिल्कशेक की तरह पुराने फ्रिज को भी नया कह रहा है पगला। नहीं, मैं नए फ्रिज की बात कर रहा हूँ। वाह, नया फ्रिज। हाँ बाप, आप मंजुला मौसी से मिलने गई थी ना, तब आया। मैं तो बता नहीं मत। पापा ने फ्रिज भेजा है जी, गोदरेज का। एक मिनट गुड़िया, मैंने तुझे जब पूछा कि तूने फ्रिज के बारे में बा से बात की या नहीं, तब तूने हाँ क्यों कहा? वो तो ऐसे ही हाँ कह दिया था, बताया थोड़ी था बा को। देखो तुमने। अब रहने दीजिए ना, आप बैठिए ना। क्या आप भी ये? एक मिनट गुड़िया, तेरे पापा फ्रिज भेजने वाले हैं तो इसके बारे में तूने हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? बा, इतना तो चलता है। गुड़िया, ये चलता है ये शब्द बोलना भूल जा बेटा। बा, बा, ये देखिए संध्या टाइम्स न्यूज़पेपर में क्या है? स्त्री के कपड़े और क्या। मीनाक्षी, जैसे तुम्हारी बातें कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर की होती है ना, वैसे ही दिमाग तुमसे 100 किलोमीटर दूर रहता है। बा, इसमें हमने जो शादी में अवार्ड फंक्शन किया था ना, उसकी खबर छपी है। शादी में ठक्कर परिवार का नया नजराना। मुझे दिखाइए, मतलब हमारा अवार्ड फंक्शन हिट रहा है सुबोध भाई। हाँ, और अवार्ड मुझ गरीब की बेटी को 2-2 अवार्ड देकर मेरे पूरे गाँव का नाम रोशन कर दिया आप लोगों ने। और उसमें भी घर का सबसे सिंपल सदस्य का अवार्ड। ये अवार्ड देकर तो मेरे मायके का मान बढ़ा दिया पूरे गांव में। सबसे सिंपल सदस्य का अवार्ड 100% आप ही को मिलना था मीनाक्षी भाभी। सबसे सिंपल मीनाक्षी भाभी। वो भी है क्योंकि इस घर में सबसे सिंपल तो मैं ही हूँ ना। मैं साड़ी भी सिंपल पहनती हूँ, बाल भी सैंपल बनाती हूँ, मेरी बातें तो एकदम सैंपल है, और मेरा स्वभाव बा, ये खबर पढ़कर अंधेरी वाले जो वल्लभ दास काका है ना, वो भी अपनी बेटी की शादी में ऐसा ही अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फिजूल का खर्चा। मतलब हमने जो अवार्ड फंक्शन रखा था वो फालतू का खर्चा था? और नहीं तो क्या, उसे तो अच्छा है हम बा के लिए कोई अच्छी सी गिफ्ट ले आते। आपको तो बा के अलावा दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है। अरे हमने कितना एंजॉय किया उसका कुछ नहीं। अरे डिंपल कितनी खुश है आपको पता है? वो कह रही थी कि सुबोध काका और प्रवीण काका ने फंक्शन ऑर्गेनाइज करके मेरी शादी मेमोरेबल बना दी। और मोटा भाई डिंपल ने तो अवार्ड फंक्शन की तैयारी भी बहुत एंजॉय की, उसमें गुड़िया और प्रवीण भाई की जोड़ी सुपर हिट थी। याद है बेबी, जब हम सब अनीश के घर पे इकट्ठा हुए थे? एक पल, ये तेरी बीवी हद करती है। अरे एक तो घर में ऑलरेडी लीला भाभी और चारू वाला के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है। हाँ वो पता चला। ऊपर से ये गुड़िया, अरे शिल्पा ने चारू से सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारे जो इयररिंग्स है ना वो थोड़े शाइनी है, तो ये समझाने लग गई
कि शाइनी मतलब वो एक्टर शाइनी आहूजा नहीं है। अब कोई गलती से भी इयररिंग्स को शाइनी आहूजा कैसे बोल सकता है, फिर भी ये समझा रही है। अरे प्रवीण काका ये सब छोड़िए, वैसे भी टाइम बहुत कम है और अभी तक हमने नॉमिनेशंस भी फाइनल नहीं किए हैं। हाँ तो बोलो ना, पहली कैटेगरी कौन सी बोलो। सबसे योग्य जोड़ी परफेक्ट कपल के लिए क्या नॉमिनेशंस होने चाहिए बोलिए। अनीश डिंपल, सुबोधा मीनाक्षी भाभी, हेमल काका गुड़िया काकी। नहीं नहीं एक मिनट, जूरी मेंबर को नॉमिनेशन नहीं मिलना चाहिए। क्यों? या क्यों भाई क्यों? अब अवार्ड किसको मिलना है वो तो जूरी डिसाइड करेगी, और उनका ही नाम नॉमिनेशन में होगा तो सारे अवार्ड खुद को ही देंगे। हेमल गुड़िया सारे अवार्ड ले जाएंगे। सबसे योग्य जोड़ी हम, सबसे अजीब जोड़ी कौन, तो वो भी हम। सबसे चटपटा रिश्ता भी हमारा और सबसे प्यारा रिश्ता भी हमारा। नहीं नहीं यार, अनीश डिंपल और हेमल गुड़िया इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, सिंपल। अरे प्रवीण भाई ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं बेबी, प्रवीण भाई सही कह रहे हैं, इन दोनों जोड़ी को नॉमिनेट नहीं होना चाहिए। करेक्ट। और ऐसे भी कपल की कैटेगरी बाद में डिस्कस करते ना, पहले सबसे चटपटा रिश्ता किसका, उसमें किसको नॉमिनेट करें वो बोलो ना। उसमें तो सबसे पहले नॉमिनेशन बापूजी और मोटा भाई का होना चाहिए। करेक्ट। लिखो लिखो। ओके। और सुन, दूसरा नाम मेरा और मफतलाल का लिखना। क्या? एक मिनट। प्रवीण भाई मैं कैसे? तो चुप रहना। एक मिनट प्रवीण भाई, अभी आप ही ने कहा था कि जो जूरी में है वो नॉमिनेट नहीं हो सकता। हाँ लेकिन पैर में नॉमिनेट नहीं कर सकते, किसी और के साथ नॉमिनेट कर सकते हैं। वाह वाह वाह, हेमल के साथ नॉमिनेट होना है तो अभी रूल्स में चेंज। हाँ ये ठीक नहीं है प्रवीण काका। प्रवीण भाई एक नंबर के चीटर है। लबार लबार। प्रवीण लबार का नाम दिलदार कैटेगरी में कैसे आया? वाह उसमें भी बहुत हंगामा हुआ था। शांति शांति शांति। एक मिनट। शांति मतलब हमारे सामने वाले घर में जो कपड़े धोने आती है वो शांति नहीं। वेरी गुड। बहुत अच्छा किया तूने बता दिया, वरना मैं तो जाता और अभी उस शांति को उठा कर ले आता और ऐसा लगता रख दिया शांति। चलो चलो, अब ये बताओ कि सबसे दिलदार कैटेगरी में कौन कौन होगा। हर्षद काका का नाम लिखते हैं। ओके हर्षद काका। मैं नहीं नहीं। क्यों, आपने कभी दिलदारी नहीं दिखाई? ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें मुझसे पहले प्रवीण भाई का नाम आना चाहिए। मेरा? हर्षद भाई हम दिलदार कैटेगरी की बात कर रहे हैं, चालबाज कैटेगरी की नहीं। बेबी मैं इनकी दिलदारी की ही बात कर रहा हूँ। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अब जब हर्षद कह रहा है तो सही में मैंने दिलदारी का काम किया होगा, है ना? ये खुद भी श्योर नहीं है कि इन्होंने दिलदारी दिखाई है या नहीं। हाँ शायद इन्हें भी याद नहीं कि उस वक्त इन्होंने कैसी दिलदारी दिखाई थी। कब? सौमिल जब हॉस्पिटल में था तब अपनी पूरी सेविंग्स बेझिझक लेकर आया था। अब तसल्ली हुई आपको? अरे जब से अवार्ड फंक्शन खत्म हुआ है तब से इनके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि प्रवीण भाई का नाम सबसे दिलदार सदस्य की कैटेगरी में क्यों रखा। भाई चलो माना कि कभी कभी प्रवीण अच्छा काम करता है, लेकिन सुबह तू तो नाटक वाला है, सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार है। हर बात में छोड़ो ना, जाने दो ना, ऐसा कहता रहता है। सबसे दिलदार सदस्य की कैटेगरी में तेरा नाम क्यों था भाई? लो नया टॉपिक निकाला इन्होंने। मोटा भाई, सुबोध भाई नाटक में काम करते, इसका मतलब ये कि वो दिलदार नहीं है? अरे तुझे क्या पता, ये नौटंकी तो दिलदार होने की एक्टिंग करता होगा। अरे अरविंद मैं तुझे किस्सा सुनाती हूँ, फिर तू डिसाइड कर कि सुबोध दिलदार है या नहीं। याद है हम सिंगापुर जा रहे थे तब प्रवीण का नाम चिट्ठी में निकला था। सारे सर्टिफिकेट्स आ गए हैं मोटा भाई। ठीक है। अरविंद। हाँ बा। सिंगापुर जाने के लिए तूने टिकट बुक करवा ली? बस वहीं जा रहा हूँ बा। नहीं नहीं मत जा तू। क्यों कैंसिल हो गया क्या? लेकिन सब कुछ तो तय था ना बा। देखा बा ये खुश हो गया, इसके चेहरे पर लाली आ गई। देखा मोटा भाई क्या कह रहे हैं आप प्रवीण भाई। क्यों तूने तो सोचा होगा कि मेरा पत्ता तो कट गया, अच्छा हुआ ट्रिप कैंसिल हो गई, है ना? प्रवीण भाई मैं सिंगापुर नहीं जा रहा हूँ, इस बात का मुझे थोड़ा अफसोस है, लेकिन मैं जेलस नहीं हुआ। तेरा नाम नहीं निकला इसलिए फिर से चिट्ठी नहीं डाली जाएगी, समझा ना? अरे मैंने ऐसा कब कहा? पहले पूरी बात तो सुन लो मेरी। हाँ तूने पिछले महीने मुझे 10,000 रुपए नहीं दिए थे। कल दे रहा हूँ ना 1 तारीख को। वो तो तू इस महीने के देगा, मैं तो पिछले महीने की बात कर रही हूँ। वो पैसे तूने मुझे नहीं दिए इसलिए
कल तू मुझे 20,000 देगा हा? अरे बाप, मैंने बताया ना पिछले महीने मुझे 25,000 का नुकसान हो गया था शेयर्स में। किसने कहा था तुझे इतने सारे पैसे शेयर में लगाने के लिए? अरे ये शेयर्स की सट्टेबाजी सबसे बुरी आदत है। कितनी बार मैंने कहा है कि अगर पैसे इन्वेस्ट करने हो तो पॉलिसी लो या फिर म्यूचुअल फंड में लगाओ। नहीं, लेकिन ये लोग रातों रात पैसे बनाने के ख्वाब में दौड़ते हैं, भागते हैं और फिर औंधे मुंह गिरते हैं गहरे खड्डे में। प्रवीण, कल मुझे 20,000 रुपए चाहिए, वरना तेरी जगह सिंगापुर सुबोध जाएगा। बाप, मुझे क्यों? बाप, बाप, ये क्या हुआ एकदम से? मैं बस, कोई बहस नहीं करेगा। अरविंद, तूने सुना ना? हाँ, सुना बाप, बिल्कुल सही सुना मैंने। प्रवीण, कल 20,000 रुपए रेडी रखना। बाप, एक दिन में 20,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? और मोटा भाई, आपको नारद मुनि का रोल करने की क्या जरूरत थी? एक्टर तो सुबोध है ना। जा जा, तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना। उल्टा मैंने तो मना। चल रहने देना सुबोध, जब बा ने कहा कि मेरी जगह पे तू जाएगा सिंगापुर, तब तेरे चेहरे पे 7 dmm स्माइल आ गई थी। वो तो बस ऐसे ही एक सेकंड के लिए। अच्छा, एक सेकंड के लिए तेरे चेहरे पर स्माइल आई, इसका ये मतलब है कि एक ही सेकंड में तेरे दिमाग में सिंगापुर जाने का ख्याल आया और चला भी गया। हकीकत में तो तू मनी मन लिस्ट बना रहा होगा कि सिंगापुर कौन कौन से कपड़े ले जाने है ना। मेरा पत्ता तो कट ही गया। भाई ये मेरे 10,000 और भाई ये मेरे, और भाई ये मेरे 10,000। ये आप क्या देख रही हैं? तो नहीं आया अब तक, भाग गया नालायक। अरविंद, अगर वो 20,000 लेकर नहीं आता है तो। बाप, मैंने कह दिया एजेंट से सुबोध या प्रवीण में से किसी एक नाम की टिकट बनाने के लिए, जो मैं उसे शाम तक बता दूंगा। लेकिन बात चिट्ठी में तो नहीं। अच्छा बा, हाँ बा, मैंने एक बार है कह दिया मीनाक्षी, आगे बोल। जय श्री कृष्ण बा। हाँ, जय श्री कृष्ण, चल बोल। प्रवीण भाई जाते जाते कह कर गए थे कि ये कवर बा को दे देना, जब वो बैंक खोल के बैठे तब। रुपए? हाँ, पूरे के पूरे 20,000 रुपए है बा, मैं बताना भूल गई। ये प्रवीण इतना सुधर कैसे गया? गिन तो इसे अरविंद। सब नोट उल्टे पुल्टे। हर्षद, तू गिन। होता है, अच्छे होता है, भगवान का करता है, सब ठीक होता है। तू क्या कर रही है मीनाक्षी? मैंने कुछ नहीं किया बा, मैंने तो सब ठीक किया, मैं कुछ नहीं भूली। क्या ठीक किया? वाह, पूरे। ये प्रवीण नालायक खुद क्यों नहीं आया? चलो ठीक है, उसके नसीब में सिंगापुर जाना था। अरविंद, कह देना तेरे एजेंट को। जी बा। सॉरी सुबोध, सिंगापुर तो अब प्रवीण ही जाएगा, चिट्ठियों के हिसाब से तो। अरे कोई बात नहीं बा, पर कहीं तो तेरे मन में होगा कि तुझे सिंगापुर जाने को मिले, है ना नाटक वाले है? पर तूने छुपाई होगी मन की बात एक्टिंग करके, है ना मोटा भाई? थोड़ी सी लालच तो होगी ना सिंगापुर जाने की, इसमें गलत क्या है ना बा? हाँ, इसमें गलत क्या है? मैं खुद चाहती थी कि प्रवीण को छोड़कर सिंगापुर जाओ, पर उसने तो कर दिया पैसों का बंदोबस्त। हाँ बा, पूरे 20,000 रुपए लेकर आया हूँ, ये लीजिए। बोलिए कौन जाएगा सिंगापुर? हाँ, सुबोध, क्या अब क्या तेरी बोलती बंद हो गई? आजा, वो सब छोड़, तूने सिंगापुर के लिए जो कपड़े बनवाए ना, वो सारे कपड़े मुझे दे दे, ऑल्टर करके पहन लूंगा मैं। तू ना सही, तेरे कपड़े तो कम से कम सिंगापुर घूम कर आए। तेरी एक सेकंड वाली वो 70 mm स्माइल कहाँ गई? हंसना यार। प्रवीण, तू इतना दिलदार कब से हो गया? हा? कि मैं 10 के बदले 20,000 मांगू और तू
40,000 दे। उसे दिलदार नहीं बा, पागल कहते हैं। वो मैं नहीं हूं। तो फिर मीनाक्षी ने तेरे नाम से जो 20,000 रुपए दिए उसका क्या? मीनाक्षी, मैंने ही कुछ नहीं किया बा, मुझे तो जो माना के पापा ने कहा करने को मैंने वही किया। माना के पापा, अब बोलिए ना बाप। बाबू, क्या बात है सुबोध? बात क्या है वो मैं बताता हूँ बा। प्रवीण भाई, समझ गया अर्शद। माना के थोड़ा मतलब ही हूँ मैं, लेकिन इस बात का मतलब ना समझ सकूं इतना ना समझ नहीं हूं मैं। वाह, हम सब समझ रहे थे कि सुबोध को ये सिंगापुर जाने का मौका मिला है तो मन ही मन इतरा रहा होगा, लेकिन सुबोध ने हम सबको गलत साबित कर दिया। देखा अरविंद, ये नाटक वाले ने क्या कर दिखाया, समझा तू? हाँ बा। सॉरी सुबोध, मैं तो ये समझ रहा था कि तू तो बहुत खुश हो रहा होगा बाकी 20,000 वाली शर्त को लेकर, लेकिन तूने तो मेरे 20,000 मुझसे भी पहले लाकर दे दिए बाबू। तू बड़ा दिलदार है यार। बहुत बड़ा दिलदार है। देखिए। हाँ जी, मैंने देखी जी। तो बता। पर उन्होंने पूछा नहीं तो। अरे देखिए, मतलब पूछा कि कहाँ है। तो फिर क्लियर। अरे उन्होंने क्लियर नहीं किया, अब तू क्लियर कर, बता कहाँ है ट्रे। वो आइस ट्रे ना मैंने कचरे के डब्बे में फेंक दी है। क्या मतलब? बा जो फ्रिज ले आई थी उसकी आइस ट्रे तुमने? वो एल्युमिनियम की बर्फ की ट्रे तुमने कचरे में फेंक दी गुड़िया? अरे रद्दी वाले को बेचती तो 50 रुपए देते तुझे उसके। क्रेक है, क्रेक एकदम भाई है तो। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। गुड़िया, तूने ट्रे कचरे में क्यों डाली बेटा? बाप, वो नया फ्रिज आ गया है ना, और वो पुरानी ट्रे ना बहुत ज्यादा पुरानी हो गई थी इसलिए फेंक दी। मैं भी पुरानी हो गई हूँ, मुझे भी फेंक दे। पर नहीं, बात थोड़ी आई है। मतलब गुड़िया तूने बा को? अरविंद, गुड़िया तूने ट्रे फेंकी तो हमें बताना जरूरी नहीं समझा? बाबू, बस ट्रे ही तो थी, इतना तो चलता है ना। गुड़िया, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूं, ये चलता है ये शब्द तेरी डिक्शनरी में से निकाल दे, वरना इस शब्द की वजह से तुझे इतनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी जिसका तुझे अंदाजा नहीं है, समझी? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।